हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। रूट ऑफ टेन रूट एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ टेन रूट एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। मैं सिंपल सा, एकदम सिंपल सा बताऊंगा आपको, सिर्फ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई, इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई। किसको नाम दे रहा हूँ वाई, रूट ऑफ रूट, जो भी क्वेश्चन आपका है, रूट ऑफ टेन रूट एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे ऊपर से या इधर से, तो आपको सबसे पहले ऊपर से रूट दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने डिफरेंशिएशन होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रूट का होगा ये रूट, उसके बाद टेन का होगा, टेन के बाद फिर आगे बढ़ते हो तो फिर से रूट का होगा, और उस रूट का होगा, और उसके बाद एक्स का। एक्स का नहीं भी करे तो उसका आंसर वन ही होता है। तो चार डिफरेंशिएशन होगा, और अगर x का वन, अगर आप x का नहीं भी करें तो वन आंसर आएगा। इस हिसाब से तीन मेन डिफरेंशिएशन होगा, तीन मेन कितना हो रहा है, तीन, ठीक है। चलो 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 शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमको रूट दिख रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट एक्स जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अगर आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो रूट एक्स को, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन टू रूट, वन अपॉन टू रूट। और रूट के अंदर क्या रहेगा, जो यहाँ रूट के अंदर है, यहाँ रूट के अंदर जो भी रहेगा वो नीचे वाले रूट के अंदर आएगा डिफरेंशिएशन के बाद। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, और देखो ये dy बाई डी एक्स यहाँ लगाएंगे किसके साथ, रूट ऑफ टेन रूट एक्स। तो देखो रूट का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन टू, ये हमारा फॉर्मूला है रूट, वन अपॉन टू रूट। अब यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, यहाँ वहाँ पे है टेन रूट एक्स, तो यहाँ पे भी टेन रूट एक्स आएगा। आ रहा है समझ में, सिर्फ हमारा इसका फॉर्मूला है वन अपॉन टू रूट, और उसके अंदर जो भी है वहाँ पे वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे के, ठीक है, हमारी जो वीडियो को आगे बढ़ाती है। अब वहाँ पर क्या होगा, पहले रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद क्या है टेन, तो टेन का डिफरेंशिएशन होगा। क्वेश्चन में देखना चाहिए आपको, क्वेश्चन में रूट का डिफरेंशिएशन करा, अब आगे जो बचा है उसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट को छोड़ के, ऊपर वाला रूट छोड़ के। तो क्या है आगे बचा है, टेन रूट एक्स, ये बचा है। तो अब आपको टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं इधर लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे जगह मिले, इसको जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, वन डिवाइड बाय टू रूट टेन रूट एक्स, इसको वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। आप समझ लो, यहाँ पे बताता हूँ, अगर टेन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स, अगर टेन के आगे जो भी है, यहाँ पे मैं लिख दे, जो भी है तो डिफरेंशिएशन उसका आएगा सेक स्क्वायर, जो भी रहेगा उसके आगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर टेन के आगे रूट एक्स है तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर, अब उसके आगे रूट एक्स है तो रूट एक्स को वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। तो देखो टेन का डिफरेंशिएशन आ गया, तो टेन का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब बचा क्या आपके पास, रूट, ये अगले वाला रूट, ये अगले वाले रूट एक्स को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, रूट एक्स को, रूट एक्स को साथ में, सिर्फ एक्स को नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बाकी का जैसा है वैसा का वैसा लिखो आप, वन अपॉन टू रूट टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने पहले ही देखे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब इसको आप अरेंज कर लो, जो ऊपर देखो क्या है, सिर्फ सेक स्क्वायर रूट एक्स है, बाकी वो वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। नीचे क्या बच रहा है, नीचे नंबर पहले देखो, टू और टू, टू टू सा क्या होता है फोर, फिर उसके बाद ये रूट एक्स पहले लिख लूँगा, आप पहले लिखो बाद में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसके बाद ये वाला लिखता हूँ रूट टेन रूट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, इसका रूट ऑफ टेन रूट एक्स का ये फाइनल आंसर आ गया।